हमारे साथ सुनंदा शर्मा मौजूद हैं। इनका एक गाना है मम्मी नू पसंद नहीं तू, बहुत फेमस हुआ है। और आपको बता दें, इनको सुनंदा को न्यू बॉस लेडी ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री कहा जाता है पंजाब में। तो ये भी पूछेंगे हम। और साथ में ख़ास हमारे साथ हैं मन्नत नूर। मन्नत का तू लॉन्ग वाला इलायची वाला जो गाना है, आपको बताएं, करीब 1.4 बिलियन, मतलब हमारे जो देश की आबादी है पूरी, हमारे भारतवर्ष में हर किसी ने गाना सुना हुआ है यूट्यूब में, इतने व्यूज़ इस गाने को मिले। तो आप, अब हम इनसे बात करते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। पहले तो जसबीर जी, आपसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री पंजाब की, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई, कैसे, ज़रा बताइए। एक हमारे शायर हैं बाबा नजमी, उनकी एक लाइन है कि अखरां विच समंदर रखा मैं इकबाल पंजाबी दा, झखड़ा विच भी रख दिता है दीवा बाल पंजाबी दा, जेड़े कहंदे विच पंजाबी वोसत नहीं तहजीब नहीं, पढ़ के देखण वारस बुल्ला बाहू लाल पंजाबी दा। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि पंजाबी म्यूज़िक की तो बाद में बात करते हैं, पंजाबी जीवन की बात करते हैं पहले। वो गुरु नानक से शुरू होती है, बाबा फरीद से शुरू होती है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से शुरू होती है। तो जीवन इतना ज़्यादा है उसके अंदर, लाइफ इतनी ज़्यादा है, इमोशन इतने ज़्यादा हैं कि आपको हर तरह की चीज़ मिलती है। अकेला ढोल नहीं है, ढोल सिर्फ पॉपुलर है कि शावा शावा बल्ले बल्ले जो है, बाकी चीज़ें भी जो है, इन कुड़ियों के भी जो गाने हैं, कितने अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए हैं, और लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। संगीत की तो ये भूमि है, यहीं से उपजा अगर हम कहें तो। लेकिन अब पॉपुलर म्यूज़िक इतना हावी हो गया और पसंद किया जाता है, ये ज़माने के साथ बदलाव या क्या कहें? ये तो जैसे जैसे ज़िंदगी बदलती है, जैसे जैसे आजकल देखो डिजिटलाइजेशन कितनी हो रही है लाइफ की, जैसे भी लाइफ बदलती है, जब वो गड्ढे से लोग मतलब कार से आए, मतलब एक बेसिक कार से आए, फिर आज देखो कितनी तरक्की हो गई है, तो म्यूज़िक भी साथ साथ बदलता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जीवन जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे म्यूज़िक बदलता है। सुनंदा, अगर मैं आपसे, आपका जो गाना एक था कि मम्मी नू पसंद नहीं तू, अब ये कहा जा रहा है जो ये पॉपुलर म्यूज़िक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल आम जीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के भाव से जुड़ा हुआ है, जो सोचते हैं वो आपको लिरिक्स में सुनाई दे, आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये जैसे गाने की बात करते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज आ गई, एक तो इतनी मीठी है और इतनी सीधी है, और जब गाने लिखते हैं तो जैसे कई बार गाने आपको सुनने में ऐसे भी लगेंगे कि यार ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सेंटेंसेस वैसे भी यूज़ करते हैं और इसका गाना बन गया। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई माशूका जो है वो अपने कह भी सकते ना, तो मेरी मम्मी नू पसंद नहीं हैगा तू, तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, मेरी मम्मी नू पसंद नहीं तू, वे तेरा गोरा मुँह, मैं तामी तेनू प्यार कर दी चनवे। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग वैसे भी बात करते हैं। तो आई गेस जो आप पंजाबी जो आप बोल रहे थे कि इतना पॉपुलर हो रहा है म्यूज़िक, इतना पॉपुलर हो रहा है और इतना आगे इंटरनेशनली इतना आगे चला गया, उसका एक रीज़न ये भी है कि जो पंजाबी ज़ुबान है वो सरल भी बहुत है, बहुत ईजी है। जब आप कुछ बोलते हो, जब आप कुछ गाते हो, तो फटक से बंदा उसको रिलेट कर लेता है किसी भी लैंग्वेज के साथ। तो एंड आई थिंक गुनगुनाना चाहेंगी अभी? मुझे तो मौका चाहिए। ओ वेज पता लगा मेरे डैड नू, वे बचदा नी तू, मैं दस तेनू, तू राती कंध टप के नाई मन वे, तू राती कंध टप के नाई मन वे, मेरी मम्मी नू पसंद नहीं तू, वे तेरा गोरा मुँह, मैं दस तेनू, मैं तावे तेनू प्यार कर दी चन वे, जो तावे तेनू प्यार कर दी चन वे। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। आप देखो रवानगी कितनी है, बिल्कुल उस कंपोजिशन में रवानगी कितनी है, लफ्ज़ों में रवानगी कितनी है, कितने सरल तरीके से वो आते जाते हैं। और इसका एक और भी कारण है, मैं ऐड करूँगा सुनंदा के उसमें, कि हमारा जीवन भी, हमारे लोग भी बहुत, यहाँ से जितने हमले हुए आज तक भारत के ऊपर वो पंजाब के थ्रू ही हुए हैं। जब लोग आए, अब्दाली भी जब आए हैं, जो भी लोग आए, मुग़ल भी आए, यहाँ से ही आए, दरवाज़ा तो यही था। तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे कल्चर जो है उनका एक सुमेल भी है, सूफीज़म है, लोकगीतों में आप देख लो, हर तरीके की आपको चीज़ें मिलेंगी, हर तरीके की बीट मिलेगी। आप हाउस बीट की बात हम करते हैं, आज हिप हॉप जो है, जो रैप जिसको हम बोलते हैं, वो दुनिया में छाया हुआ है, तो वो हमारा
सबसे ज़्यादा बोलियाँ जो है हमारी वो रैप ही है। पिंडा विच्चों पिंड सुनी दा गड़दी बई उत्थों दी एक नार सुनी दी उत्थों दी एक नार सुनी दी खूह ते पानी भर दी उच्चा चबारा उच्चिया पौड़ियाँ सैंडल पापा चढ़ती नहीं लगी वह पतला जिहा भयानक रौंदी डरती नहीं लगी वह पतला जिहा सारा रैप ही है टोटल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए म्यूजिक शुरू होता है तो सब में वो एक यू नो एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल मन्नत मन्नत आप क्या कहेंगी, आप जम्मू से आए फिर यहीं बस गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं अपने मतलब जज्बात बयान नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पे आज मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ बैठने का, इतने अच्छे लोगों के साथ बैठने का। एक होती है जन्मभूमि, एक होती है कर्म भूमि। मेरी जन्मभूमि जो है वो जम्मू से है और कर्म भूमि मेरी पंजाब है। एंड आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, पंजाब इंडस्ट्री। सो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना बड़ा गाना दिया है। जैसे अभी आपने बात करी थी इस गाने की लॉन्ग लाची, इतना बड़ा हो गया कैसे, क्या गया था उसमें जब वो बन रहा था, क्या आपका असेसमेंट था तब? बहुत सिंपलिसिटी थी उस गाने में, लिरिकली कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल साफ सुथरी थी जो हर एक के मुँह पर चढ़ जाती है, कोई भी उसको गा सकता है। कॉम्पोजिशन बहुत प्यारी थी और मैं हमेशा लिरिक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ हर गाने के लिए। सो उस गाने के लिरिक्स इतने प्यारे थे, उसमें नीरू बाजवा जी ने इतना अच्छा सिंपलिसिटी से परफॉर्म किया, कुल मिला के उस गाने में सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। गुनगुनाना चाहिए, बड़ी बात थी कि उसको मन्नत ने गाया था। अगर आप इनकी आवाज़ सुने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप इनको अभी लाइव सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप रिकॉर्डिंग ही सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको सुना हुआ है, इतनी अच्छी आवाज़ है इनकी। थैंक यू सो मच। अगर आप हवे में चंबे दी पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया संदली संदली नैणा विच तेरा नाम वे मुंडिया हो मेरे सुन्ने सुन्ने पैर तू ता जाना रे ना शेर बोता मंग दी ना थोड़ा लदे चंजरा दा जोड़ा जड़ा विक दा बजारा विच आम वे मुंडिया संदली संदली नैणा विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैणा विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैणा विच तेरा नाम वे मुंडिया। थैंक यू। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो लिरिक्स की बात कर रहे हैं, इतनी तवज्जो लिरिक्स को दी जाती है, जैसी जी क्या असेसमेंट है आपका, कब से जो इसमें बदलाव काफ़ी आया, गन कल्चर की बात होने लगी, कई ऐसी चीज़ें आ गई, एक एक तरफ हमारा सूफी गायकी थी, इतने कोमल शब्द थे, इतनी कोमल भावनाएं थीं जो गानों में झलकती हैं, लेकिन फिर जो आजकल के युवाओं को यंगस्टर्स को पसंद आता है, लेकिन उसमें गन और अपराध ये कुछ ज़्यादा नहीं लगने लगा आपको कभी, या कुछ कुछ गानों में वो उसको आप कैसे देखते हैं? वो ऐसे होता है कि जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, जो जिनको हम लेबल वाले लोग होते हैं, जिनके पास लेबल्स होते हैं, रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं, उनकी समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो सिर्फ पैसे की भाषा को समझते हैं, वो कभी ऐसा नहीं समझते कि ये गाना जो है इसको बहुत अच्छा हो जाएगा, इमोशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, पंजाब की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उनको एक ही चीज़ समझ आती है कि ये कितना बिकेगा। आपने देखा होगा पीछे थोड़ा टाइम पहले, आज से 5-6 महीने पहले, व्यूज़ की बड़ी गेम हो गई थी, बहुत बड़े बड़े व्यूज़ जो है वो शुरू हो गए थे। अभी जो है अभी थोड़ा सा आई थिंक के कुछ साधारणता आई है फिर दोबारा से। और लिरिक्स जो है, आपने गन कल्चर की बात की है, गंद कल्चर भी बहुत आया, बहुत सारे लोग जो है उसका कारण क्या है कि कुछ नॉन पंजाबी लोग पंजाबी इंडस्ट्री में घुस आते हैं। मैं जैसे एक दो गानों का मैं तो जिक्र भी करूंगा, मैं तो कभी डरता नहीं हूं। जैसे एक गाना था काफ़ी चला था, वो लहजा मेरा, एक्चुअली है लहजा मेरा गुट मिणके, ये इसको गुट बोलते हैं, लहजा मेरा गुट मिणके मेले चलियाँ तो लैके आवी चूड़ियाँ, कि इसकी मिनती करके ले जा मेरे मेज की जो हैं वो चूड़ियाँ लेके आई। तो वो कुड़ी ने लिखा होगा लहजा मेरा
GUTT लिखा होगा, तो उसने बोला ले जा मेरा गुत मेल के, उसको समझ ही नहीं है कि उसने गाया क्या है, मुझे नहीं पता कौन सिंगर है। पर मेरे ख्याल जो लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो लोग कंपनी वाले हैं, उनको उनको समझाना चाहिए। ये नहीं है कि मनाही है किसी को आने की पंजाबी गाने की, पंजाबी बहुत सारे लोग गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर जैसे मेरा लौंग दा लिश्कारा एक गाना था, मुझे याद है जब मैं गया, अन्विता दत्त जी बहुत बड़ी राइटर हैं वो, तो जब इन्होंने शंकर महादेवन जी ने मुझे बुलाया और मैंने गाना सुना, तो मैं रिकॉर्ड करने की ट्राई कर रहा था, उसमें था जो था ना चन्ना मेरे चड्डे पर, वो तो मेरा मेल का भी था कि चन्ना मेरे, तो मैंने उनको सुजेस्ट किया कि यार चन्ना मेरे नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत ठेठ पंजाब से आता हूँ, तो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते लोग कि मैं चन्ना मेरे बोल दूँ। तो उन्होंने बोला क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने किया हीरे मेरी, वो जो उसमें तो ऐसे सुजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, या अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी से सजेशन ले सकते हैं। मैं तो ऐसे सोचता हूँ। मुझे याद है जब मैंने बाबा बुल्ले शाह किया था, मेरी निशानी प्यार दी जो थर्ड एल्बम थी, उसमें मैंने काफ़ी लिटरेचर शिव कुमार बटालवी, गुरभजन गिल और बाबा बुल्ले शाह इनको किया था। तो मैं सोच रहा था कि बाबा बुल्ले शाह कहीं गलत रिप्रेजेंटेशन ना हो जाए, क्योंकि मुझे इस बात की का पता था कि उस टाइम मेरा कुछ भी किया हुआ चल रहा था, मार्केट में मैं ऐसे फेंकता था तो वो चलता था। तो वही वही बदलाव जो है, जो शब्दों का हेर फेर है, जो कुछ लोग समझे ठीक नहीं, लेकिन आजकल की जनरेशन सुनंदा वो सुनना चाहती है। एक तो मार्केटिंग के लोग हैं, लेकिन फिर जनरेशन सुनना चाहती है। अब जो पंजाबी म्यूज़िक की जो खपत है वो सिर्फ देश भर में नहीं है, वो तो दुनिया भर में है। चाहे कोई इस भाषा को समझे ना समझे, लेकिन इसके म्यूज़िक को ज़मीन से समझता है, उसको दिल से चाहता है। तो जो ये बढ़ोतरी हुई है लिरिक्स की भी अपने आप में, आप उसे कैसे देखती, जो ये बदलाव आया है? इससे पहले भी एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगती है, वो ये है कि सिर्फ पंजाब को ही टारगेट क्यों किया जाता है। आप मूवीज़ देखें, हम तो मान लो गानों में चलो सिंगर्स गा रहे हैं, गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं या हो रहा है, आप फिल्में तो देखें, उसमें तो है ही पता नहीं की कड़ी कड़ी तोप चला देंदे ने। आप देखें तो अभी मैं सीरीज़ का नाम नहीं ले सकती हूँ, इतना कुछ आता है, लेकिन सिर्फ पंजाब को ही क्यों टारगेट किया जाता है। और पंजाब में थोड़ा सा ये भी है कि पंजाबियों से एक थोड़ी दलेरी है, वो थोड़ी वो अपनी हिम्मत की गल भी करते ने। आई अग्री विद यू कि वो जो गन कल्चर है जो वो उसको इतना ऐसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट एक फैक्टर और है, वो ये है जैसे जैसे जी ने बोला कि सिर्फ कई एक्चुअली क्या होता है, लोगों को ऑडियंस को सिर्फ सिंगर का गाना सुन रहा होता है। एक गाने के पीछे अकेला सिंगर नहीं होता है। अभी ऑडियंस जो है जो सुनेगी, अब जैसे क्लोथिंग ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड वही चीज़ बनाएगा जो उसके कस्टमर को चाहिए। हमारे जो लेबल्स हैं, जैसे कंपनीज की बात की है, कोई प्रोड्यूसर सिंगर पे तभी गाना तभी पैसा लगाएगा जब उसको ये गारंटी आएगी कि इससे मुझे आगे पैसा आ सकता है। आज का पंजाबी एक गाना जो है 50 लाख से 1 करोड़ तक चला गया है, 1-1 करोड़ तक गाने बनते हैं, इससे भी ज़्यादा। मेरा गाना आया था पागल नहीं होना, एक गाना आया था बैन गाना। अगर आप गानों का प्रोडक्शन वैल्यू देखें तो 1-1.5 करोड़ के गाने ही हैं, सिर्फ गाने। एंड जो प्रोड्यूसर है, जो लिरिसिस्ट है, जो लेबल है, वो किस चीज़ को आगे लाएगा, जिसको ऑडियंस सुनती है, जिसको ऑडियंस बढ़ावा देती है। तो सबसे पहले ऑडियंस को रोकें कि आप ये चीज़ें सुननी बंद कर दें, आप सिंगर को मत सुनें। अगर कोई गन कोई गाने में वो चीज़ है ना, गन है, तो आप ना सुने, गाना बनाना बंद हो जाएगा। हमारे जो पहले टॉपिक्स थे जिनकी ये बात कर रहे थे, ले जा मेरा गुट मिण के, अरे पहले आप वो गुनगुना तो दीजिए जिसके आप बता रही थी इतना करोड़ों लगे हैं, पागल नहीं होना, प्लीज गुनगुना दीजिए। वे मैनू पता मोहब्बत हुण तू मैनू नहीं करदा, मैनू पता मोहब्बत हुण तू मैनू नहीं करदा, इंतजार करांगी तेरा तू भावे आना नहीं, तेरे पिछे यारा नहीं पागलिया, वे मैं तेरे पिछे यारा नहीं पागलिया, के पागल भी कोई ऐना पागल
was the song. बहुत खूबसूरत. मन्नत, अगर आप कुछ गाएं, गुनगुनाएं और जो सोचो शब्दावली बदली है, क्या आप सोचती हैं गाना चूज करने से पहले, या क्या देखती हैं कि ये गाना गा लेते हैं या इसमें ये बदलाव हो जाए? मुझे ऐसा लगता है शुरू से ही मुझे गाने ही ऐसे मिले हैं. एक गाने से मेरी ऐसी पहचान मिली है. मुझे लोगों ने हमेशा इसलिए ज़्यादा प्यार दिया है कि मैं हमेशा लिरिक्स अच्छे गाती हूँ और मेरे गाने पंजाब की कल्चर से ज़्यादा रिलेट करते हैं. तो वो चीज़ मैं हमेशा रख के चलती हूँ कि मुझे ये प्यार, ये जो लोगों से मुझे मोहब्बत मिल रही है, इसको मुझे खोना नहीं है कभी भी लाइफ में. मुझे नहीं देखना कि कमर्शियलिज्म क्या है. जैसे कि जस्सी जी ने बात करी, सुनंदा ने बात करी कि लेबल पे डिपेंड करता है उनको कैसे गाने चाहिए. समटाइम्स मेरे गाने रिजेक्ट भी होते हैं कि नहीं ये कमर्शियल नहीं है गाना. अच्छा. कि ये कमर्शियल नहीं है, ये लोग सुनेंगे नहीं, चलेगा. तो मैं कह देती हूँ ठीक है, ओके, आई एम एग्री विद दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैं हमेशा लिरिक्स को सोच समझ के गाती हूँ. बहुत सारे गाने ऐसे भी मेरे पास आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरीके से भी कह लो कि बदनाम भी किया कि ये लड़की सबके गाने नहीं गाती या उसमें कुछ ईगो एटीट्यूड वाली चीज़ आ गई है. बट ऐसा कुछ नहीं है. मैंने हमेशा, अगर मुझे किसी की लिरिक्स पसंद नहीं आया तो मैंने मना कर दिया कि मैं ये इस गाने के लिए मेरी आवाज़ ही नहीं बनी हुई, मैं इस गाने के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, मैं नहीं गाऊंगी. सो लिरिक्स को मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी अपनी लाइफ में और मैं आगे भी देती रहूँगी. बिल्कुल. कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे आपका जो ज़्यादा हिट नहीं हुआ हो लेकिन आपके दिल के बहुत करीब है? एक्चुअली यहाँ से ये आती है, जम्मू जो है डोगरी, वो भी पंजाबी की मतलब सब भाषा ही है, सब लैंग्वेज है. तो स्क्रिप्ट उसकी थोड़ी हिंदी में आजकल तो उन्होंने वो कर दी है, लागू कर दी है, मगर है तो पंजाबी की भाषा. उसका डायलेक्ट जो है बहुत मीठा है, डोगरी भाषा जो बहुत मीठी है. अगर डोगरी आता तो कुछ सुनाओ ना. एक हिमाचली डोगरी गाना है, वो मैं गुनगुना देती हूँ, जैसे जी ने कहा है. तो कपड़े अतवा कने रोवा कुंजुआ, रोवा कुंजुआ बिच बटन निशानी हो, बटन चंचलो बटने दागम ना तू करे चंचलो, चंबे चांदी बतेरा हो मेरी ये जिंदे, चंबे चांदी बतेरा हो. अधी अधी रातें मत आंदा कुंजुआ, अधी अधी रातें मत आंदा कुंजुआ, बैरी परियां बंदूकां. और थोड़ा सा नीचे आ जाओ ना पठानकोट की तरफ, जो हम लोग, हमारा इलाका जो है वहाँ पर, दो पत्र या नारा दे साड़ी गली लंग माया, दुख टुटन बीमारा दे साड़ी गली लंग माया. से निकलता है फिर वो लैम्बरगिनी चलाई जाने ओ, ये सारा हाँ. लैम्बरगिनी चलाई जाने ओ, लैम्बरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दे ओ, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दे ओ, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ. और ये जो मतलब इतना बड़ा खजाना है ना, ये ही राग अगर छेड़ के रखें तो मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे 8 घंटे गा सकता हूँ. सच्ची कह रहा हूँ मैं कि लोग ही तो इतने ज्यादा हैं हमारे पास. इधर से उधर निकल जाइए ना. हाँ, जगजीत पाजी को छेड़ लो आप. मिट्टी दा बावा मैं बनौनिया नी चगा,
पौनिया नी उत्ते देनिया खेसी नार मिट्टी दया बावे आवे तेरा प्यो परदेसी मिट्टी दा बावा क्यों नी बोल दानी क्यों नी चाल दानी क्यों नी परदा हुंगारा नार मिट्टी दया बावे आवे तेरा प्यो वन जारा यहां से निकल ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर दमा दम मस्त कलंदर हो लाल मेरी हो दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर चलिए बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ये किसी दिन ना आप एनडीटीवी पे पूरा 8-9 घंटे का प्रोग्राम रखना और एक राग और एक बीट पे रखना। बिल्कुल 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 पंजाब का ऐसा मतलब बिल्कुल बिल्कुल अब अच्छा बस अभी आते हैं उस पर भी आते हैं। अगर मैं सुनंदा आपसे शुरू करूं सिंस आए मैंने बताया आपको कि आज ही पढ़ा कि न्यू बॉस ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री लेडी बॉस क्या बात? तो ये मुझे महिलाओं के लिए क्या चांसेस मिलते हैं क्या कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है या अब चीज़ें बदल रही हैं कैसे देख रही हैं जो आप मेल डोमिनेट का वो जो थोड़ा सा बात कर रही हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे जैसे क्या है वो है तो है अभी भी है वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्रीडम मिल गया है या प्रॉपर वो चीज़ हो गई है बट मुझे ये लगता है चाहे वो फीमेल आर्टिस्ट है चाहे वो मेल आर्टिस्ट है थोड़ा सा अपने इरादे का पक्का हो जाए ना जैसे मन्नत ने बोला कि जब इनके पास कोई ऐसा गीत आता है जो इनको नहीं गाना तो ये नहीं गाती हैं आई नो थोड़ा सा वो एक टैग मिल जाता है एरोगेंट लगता है बंदे को कि ये एरोगेंट है ये थोड़ी ईगोस्टिक है थोड़ा एटीट्यूड आ गया है लड़कियां ऐसे कैसे जवाब देने लग गई बट थोड़ा सा लड़कियां भी अगर अपनी स्पेस को पहचाने थोड़ा सा अपने वो इरादे को पक्का कर लें कि मुझे ऐसे ही काम करना है जैसे मुझे काम करना है तो मुझे लगता है फिर आपको कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाता बिल्कुल, जैसा है हाँ और मुझे लगता है अभी तो क्या फीमेल क्या मेल अब तो गाने अभी देखिए मेरा पटाके गाना था पहला हाँ वो भी सुना लिया पहला गाना था जो 100 मिलियन हुआ था पहला गाना पंजाबी इंडस्ट्री का फीमेल का पूरी हिस्ट्री में एक्सेलेंट पहला गाना और मैंने बहुत टाइम बाद और वो गाना सुनोगे ना आप तो आपको पता चलेगा कि लड़कियों के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता हाँ बिल्कुल सुनाओ जरा गाए जट्टा देनी लोटे आंदी कह के वेचती कहिंदा फॉर्चूनर नजारे दिंदी है कच्चे पक्के राहां विच दी लंघाउण नूं घुम्मण कमाउण नूं ते थार रखी है बुलेट ते रखी है ओए होए होए पटाके पाउण नूं पटाके पाउण नूं ओए घुम्मण कमाउण ते थार रखी है नी उन्हें बुलेट ते रखी है हाए पटाके पाउण नूं बहुत खूब आप देखो जो लड़की पटाके पा रही है ऐसे लड़के तो ऐसे ही मतलब डरते डरते इधर उधर हो जाएंगे मन्नत अगर आपसे यही सवाल पूछूं कुछ मुश्किलात झेलनी पड़ी आपको लगता है कि थोड़ा सा उभरने में आप तो गाना मिल गया
है ना, इतने व्यूज मिल गए, लेकिन है मुश्किल, लड़कों के लिए आसान है। स्टैंड लेना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे सुनंदा ने बात करी कि अपने लिए अगर लड़कियां स्टैंड लेती हैं ना तो उनको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और आजकल के टाइम में जहां तक मुझे लगता है कि लड़कियां अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया है उन्होंने, और बहुत सारी लड़कियां बहुत आगे तक पहुँच गई हैं। मुझे बहुत सारी सिचुएशन फेस करने को नहीं मिली, मिली भी हैं तो उनको मैंने एज अ एक्सपीरियंस लिया लाइफ में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर कुछ सिचुएशन आपको लाइफ में फेस करने को नहीं मिलती, बैड सिचुएशन, तो आप लाइफ में शायद कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख भी नहीं पाते हो, आपको आगे बढ़ने में बहुत इजी हो जाता है। तो मुझे बहुत बैड एक्सपीरियंस भी हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ, अच्छे लोग भी मिले जहाँ पे, बहुत बुरे लोग भी मिले, बट बुरे लोगों से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला लाइफ में। सो इसलिए मैं उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली सोच के चली हूँ। अपना कोई गाना जो आपको सुकून देता है? सुकून से याद आया कि मेरा खुद का ही गाना, एक उसका नाम ही सुकून है, सो वो अच्छा। गुनगुनाती हूँ। होर मिल दिया दुनिया ते लखवे, मेरे लिया कखवे, तेरे ना सुकून मिलिया, एक अंबरा नू मिले आई चनवे, दूजा मैनू तू मिलिया, एक अंबरा नू मिले आई चनवे, दूजा मैनू तू मिलिया। और मैं मैम एक छोटी सी चीज़ और, अब मैंने तो आपने बहुत अच्छा गाया, एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ फॉर फीमेल्स, जो कहीं कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ हो जाती है कि शायद इनमें मे भी थोड़ा स्टैमिना का प्रॉब्लम होता है या इनको थोड़ा स्टेज का कोई इशू रहता है, कई बार ये चीज़ें सुनने को भी मिलती हैं, राइट। बट आप देखें जब आप पंजाब में परफॉर्म करें तो हम लड़कियाँ ही हैं जो तीन तीन चार चार घंटे भी स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। और पंजाब ने, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे पंजाब ने इतना कुछ दिया है, मेरे गानों को इतना प्यार मिला है। मैं मोस्टली दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान, मुंबई, पुणे जाती हूं परफॉर्म करने, डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे जाती हूं, तो आप यकीन माने इतना क्राउड होता है और अकेले स्टेज पे आप संभाल रहे हो, इज दैट ईजी? बिल्कुल नहीं इजी है, तो हम किनसे पीछे हैं बताइए। नहीं, पंजाब की कुड़ियां जो शेरनी हैं, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने बताया ना कि बाहर, इसको भी मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं बात को, पंजाब के म्यूजिक को नॉन पंजाबी लोगों ने भी बहुत प्यार किया है, उसका भी बहुत धन्यवाद है। देखो वो एक नेशनल इंटीग्रेशन की भी बात है, मगर वो देखो हम ज्यादा इधर उधर का संगीत नहीं सुनते पंजाबी, मगर बाकी सारे लोग जो है ना वो पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं, और पंजाब को भी अपना लाडला पुत्र मानता है भारत जो है। बिल्कुल, तो इसी पे यही मैं आपको सवाल पूछना चाह रही थी कि जब आप जो लिरिक्स हैं हमेशा बहुत साफ सुथरे सूफी से इंस्पायर्ड करते रहे हैं, अमूमन जो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री ने हासिल किया है, वो जो देश भर में लोग होते हैं वो बॉलीवुड को देखते हैं, वो उसको एक टारगेट मानते हैं और कहा जाता है वहीं से इंस्पिरेशन या वहीं से लिया जाता है, लेकिन पंजाब का जो म्यूजिक है वो ऐसा नहीं है, उसकी अपनी रास्ता ही उसने अपना अलग बना लिया है, एक पैरेलल मार्केट है, मार्केट है वो। हाँ, पूरी बिल्कुल। हाँ, तो उस लिहाज से मैं समझना चाह रही थी आप कैसे देखते हो जमीन की स्थिति को। आप देखो ओपी नैयर साहब से ले लो आप, या जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है, हमेशा से, मैं इसको बहुत अहंकार से नहीं बोल रहा, प्यार से बोल रहा हूँ कि पंजाबी म्यूज़िक जो है वो हैवी रहा है बॉलीवुड के ऊपर भी, इवन हॉलीवुड के ऊपर भी। अगर हम लोग कई बार नुसरत फ़तेह अली खान साहब या उन लोगों को भी देखते हैं, तो उन्होंने भी कितना भी म्यूज़िक वहाँ पर किया है, वो भी हमारा म्यूज़िक है। और उसके बाद आप आ जाओ, जब ये पैरेलली चल रहा था, जब लता जी चल रहे थे, रफ़ी साहब चल रहे थे, इधर सुरेंद्र कौर जी, आशा सिंह मस्ताना जी, अगर पंजाब की मार्केट की बात करते हैं तो कुलदीप माणक हमारे बहुत बड़े एक सिंगर थे, आजकल के जो एमपी हैं मोहम्मद सदीक साहब जो फरीदकोट से शायद एमपी हैं, वो कितने बड़े सिंगर हैं, मतलब उनके सारे गाने, अभी भी उनका एक गाना जो है ना तू दिल भर दे सीनो दिन नितदा रोना बैज होगा, वो इंटरनेशनली हिट है। काला चश्मा देख लें आप। हाँ, काला चश्मे की बात कर लो तो पैरलर एक मार्ग, फिर मलकीत सिंह जी आए, तूतक तूतक तूतियाँ, किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, मगर दुनिया में, फिर दलेर मेहंदी जी आए, फिर गुरदास मान जी, गाना देख लें वो अपना दिल लगी कुड़ी पंजाब दी, कोका को रीमिक्स हुआ है अभी दोबारा, कोका जी रीमिक्स हुआ, आप तो सारे, क्योंकि मैं पुराना भी बहुत हो गया हूँ ना, तो मेरे सारे
गुड वन पर तुहानू लग ये तो बच्चियों के बीच में बिठा दिया आपने मुझे फिर भी सैंडविच नवे खुशी लग रही है वैसे मैं इनसे 30 साल पुराना हूँ नहीं तो उसी पर अगर आप कुछ गाना चाहें जो एक सूफी कला हाँ जो आपका गाना है मुझे अंदर से रिक्वेस्ट भी आ रही कि जो कोका आपके में म्यूजिक पे करके आप जरा अपना वो गाना म्यूजिक पे हाँ म्यूजिक बजा दीजिए आपको मैं शुरुआत जो करता हूँ ना इनको इनको साथ लेके करता हूँ एक जो सुहाग होता है ना हमारे जब लड़कियों की शादी होती है तो सुहाग और लड़के की शादी पे घोड़ियाँ गाई जाती हैं उससे शुरू करते हैं बीबी छड़नी पीड़िता पावा साडा किए दावा नी दावे वाले लैनी चले बीबी बीबी छड़नी पीड़ी दी डोर साडा किए सोर नी सोरा वाले लैनी चले बीबी यहां से निकलता है कोका तेरा कुछ कुछ कहिंदा नी कोका तेरा कुछ कुछ कहिंदा नी लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा नी लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा मेहंदी जान कट लहंदी तू पाने पाने पहंदी होश ना रहंदी कोका तेरा कुछ कुछ कहिंदा नी लहंगा तेरा लुट पुट लहंदा नी कोका चुमके तेरे लैण उलारे नी चुमके तेरे लैण उलारे नी ठुमके तेरे होर प्यारे नी ठुमके तेरे होर प्यारे नखरा में चलाया वे पेश ना जावे जदों लिशकावे कोका तेरा कुछ कुछ कहिंदा नी लहंगा तेरा लुट और मलकीत पाजी का आप इसी में लगा लो लोकगीत है गुड़ नालो इश्क मिठा होए होए गुड़ नालो इश्क मिठा होए गुड़ नालो इश्क मिठा होए गुड़ नालो इश्क मिठा गुड़ नालो इश्क मिठा होए होए ओ रब्बा लगना किसे नू जा गुड़ नालो इश्क मिठा तेरी आई मैं मर जा 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 तेरी आई मैं बिंगा ना होवे वे तेरी आई मैं मर जा लगियां तरिंजना दिया हाय हाय लगियां तरिंजना दिया हाय मैनू याद गड्डी दे विच आईयां वे लगियां तरिंजना दिया कोका हो 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 कुड़िए जरा हस दे नी कुड़िए जरा हस दे दिल दी गल दस दे नी दिल दी गल दस दे दिल विच कौन वसाया जसी तड़पाया तुलारा लाया कोका तेरा कुछ कुछ कहिंदा नहीं और एक लोकगीत बहुत पुराना है मैंने आपको बताया ना पंजाब ऐसा है आप छेड़ लो तो 8-7 घंटे इसमें ही गाते रहो फिर हाँ कोका कड़वा देवे माइया कोका वे हानिया कोका कड़वा देवे माइया कोका गली गली वन जारा फिरदा वे देंदा फिरदा होका वे लै लो कोका वे हानिया कोका कड़वा देवे माइया कोका वे ओ सजना प्यारियां दा आखा नहीं ओ मोड़ी दा जुड़दा ना दिल चन्ना दिल नहीं ओ तोड़ी दा जुड़दा ना दिल चन्ना दिल नहीं ओ तोड़ी दा रब दिलां विच रहे सोनिया वे रब दिलां विच रहे सोनिया में बुल्ले शादा होका वे हानिया कोका कड़वा देवे माइया कोका वे हानिया मेरे मां मेरी मां नू पसंद नहीं है तू वे मेरे मुँह वे पता मैं तेनु प्यार कर दी जन वे सो ये बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपने बिल्कुल जो जान डाल दी है इसमें और आप सबने आप लोग जुड़े ये जो साडा पंजाब आपने किया है ना ये 10-12 घंटे का साडा पंजाब ऐसे ही करना फिर मजा आएगा बिल्कुल यही रौनक है और यही जोश है पंजाब का जो पूरे देश में इसका असर होता है पूरी दुनिया में इसका असर होता है आप सब आए और मैं आपको एक चीज और इसमें
हाँ सुचा 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 एक चीज़ ऐड करता हूँ मैं और आप देखो आज से 3 साल पहले जो ग्रैमी मिल रहे थे उसमें एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है वाइट सन उनको गुरबानी के ऊपर ग्रैमी मिला है ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वाइट सन जो है उन्होंने गुरबानी गाई और उसमें काइनी वेस्ट भी नॉमिनेटेड था हाँ जी और ये हमारे पावर है पावर तो यहाँ से मिलती है पावर तो एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी से मिलती है गुरु नानक से मिलती है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहबंग गुरु प्रसाद वहाँ से मिलती है खजाना और फिर मुझे सिर ढकना पड़ेगा आजकल बड़ा सेंसिटिव हुआ पड़ा है इसलिए हाँ मगर है तो अच्छी बात है गुरु नानक तो कोई भी कोई लोग भी गा रहे हैं कबीर को कोई लोग गा रहे हैं बाबा फरीद को कोई भी लोग गा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को देखो जफरनामा देखो पर्शियन देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे सब आपका म्यूज़िक इतना एंजॉय कर रहे थे कि शायद मुझसे अब कोई बात ही नहीं कर रहा है तो कोई सवाल आप कुछ कह रहे थे गाना बस सुच्चा सुरमा अच्छा सुच्चा सुरमा वो गीत था हाँ। जिससे मुझे पहचान मिली और जिससे मुझे ये लाइन में आने का मौका मिला टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगी कभी भी नहीं सोचा था मेरा कभी ख्वाब ही नहीं था कि मैंने सिंगर बनना है या मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है लेकिन कई बार होता है आपकी डेस्टिनी आपका रास्ता लिखा ही ऐसे होता है आप देखोगे अगर इन्होंने सोचा नहीं था तो यहाँ पर पहुंची हुई है अगर सोचा होता तो फिर कहाँ जाती क्योंकि ये मुझे रिग्रेट भी है मिलते ही नहीं है नहीं ये मुझे रिग्रेट भी है सर आपको एक सही बात बताऊं कभी कभी मेरे दिल में ना ये ख्याल आता है वाह 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 अच्छा मैंने कई बार ये बात को सोचा है कि अगर परमात्मा ने मुझे ये काम देना था कि मैंने यही काम करना था तो मुझे थोड़ा सा पहले अगर पता चल जाता तो शायद मैं भी सीख लेती मैंने सीखा नहीं मुझे कुछ नहीं पता जब मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया है आप मान नहीं सकते हो म्यूज़िक डायरेक्टर परेशान हो गए यार ये किसको आप लेके आए हो ये कैसे गा कैसे रही है क्योंकि कुछ पता ही नहीं था मुझे किशोर कुमार ने भी नहीं सीखा था जब कैमरे के आगे गई तो मुझे नहीं पता था कि कैमरा किधर है तो मतलब बड़ी सारी ऐसी चीज़ें थी और मुझे कई बार ये रिग्रेट होता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं सीखती और ज़्यादा अच्छा होता राइट अगर आप गुनगुनाना चाहें उनकी रिक्वेस्ट आई है हो पापी बलवीरो कानी कर दी मिनता मर जानी सुच्चे दे फड़कन डोले मोड़े ते बंदे खानी अंत वेला आ गया सी कुकर दी मशूक दा वेखी किते दब दी ना वेखी किते दब दी ना कोड़ा वे बंदूक दा सुच्चे आवे दब दी ना कोड़ा वे बंदूक दा बहुत खूब थैंक यू सो मच अच्छी वाला अपना गाना गाया है अभी नहीं गया वो वर्ड्स भी आ गए थे हाँ आ गया अच्छा अच्छा शिवा नाउ वंदना हाँ वो आपके लिए उस गाने की रिक्वेस्ट आई एक बारी या लॉन्ग द वेला ओके हेलो मेरा ना थोड़ा सा माइक बढ़ा देंगे क्योंकि पहले ठीक था अभी थोड़ा सा कम हो गया है गेन थोड़ा बढ़ा थोड़ा सा गेन कर दें हेलो हेलो यस हेलो अभी ओके है हाँ खड़े होकर व्हाटएवर यू वांट ओके तो एक बार फिर से फरमाइश आई है लॉन्ग लाची के गाने की लॉन्ग लाची गाने की तो मैं अंतरे से ही स्टार्ट करती हूँ हो मेरे सुनने सुनने पैर तूता जाना और न शेर बोता मंग दीना थोड़ा लदे चांजरा दा जोड़ा जेड़ा विक दा बाजारा विच आम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया बीतू लौंग वे महलाची तेरे पिछे अंगवाची तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी वे मैं चंबे दे पहाड़ों वाली शाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया
संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। थैंक यू सो मच। बहुत खूब बहुत खूब। आप हमारे यहाँ पे बैठे कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। कैमरा वन सोखे सोखे जी पूछियो। सबसे पहले सुनंदा से ही पूछना कि वो इतनी खूबसूरत क्यों है। पंजाब बना। क्या बात है। तो मेरा सवाल है जस्सी जी से। जस्सी जी, अभी आपने कहा कि मैं इनसे 30 साल पुराना हूँ, हालांकि आपको देख के लगता बिल्कुल भी नहीं। एक मेरा तजर्बा है, मैंने एक फंक्शन में देखा कि एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था, पूरे फंक्शन में उसको मैंने देखा कि एक ही उसका टारगेट था कि मैं किस तरह जस्सी जी के साथ सेल्फी लूँ। उसके पापा का भी वही हाल था, उसके डैडी भी आपके गानों पर डांस कर रहे थे। पहली बात यह कि 3-3 जनरेशन को कैसे संभाल लेते हैं आप, कि जैसे वक्त बदल रहा है, अब बदलते वक्त के साथ कैसे बदला जाता है। आई थिंक ये है तो पंजाबी म्यूज़िक की ताकत है। पंजाबी म्यूज़िक की जो एक रवानगी है ना, जिसकी हमने बात की है, जो पुख्तगी है, वो ही लोगों को, बच्चों को भी देखना, ये चलता ही रहना है। पंजाबी म्यूज़िक और फले फूलेगा अभी, मेरे ये वर्ड याद रखना आप, क्योंकि पंजाबी जो है ना, ये गुरुओं की ज़ुबान है, और जब ये निकलती है ना, असर करती है, दिल तक असर करती है, और इसके पीछे हिस्ट्री बहुत बड़ी है। वो भी इमोशन जो हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं। बच्चे जो हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं, जैसे आजकल मैंने ना 1 साल से शादियों में गाना शुरू किया है यहाँ पंजाब में। पहले मैं बहुत ज़्यादा शादियों के शोज़ नहीं करता था, पर मैंने अभी डिसाइड किया कि यार वो भी एक फेस्टिवल होता है एक तरह का, 2-3 हज़ार लोग आपको मिलते हैं सुनने के लिए। आजकल इतना अच्छा रुझान हो रहा है कि जब मैं हीर गाता हूँ, बाबा बुल्ले शाह गाता हूँ, तो लोग अपने बच्चों को ला के सामने खड़े करके कहते हैं कि जी सुनाओ इनको। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमने देखो गांव से जपजी साहब सुना है, हीर सुनी है, और गुलाम अली खान साहब को सुना है, शौकत अली खान साहब को, यमला जी को सुना है, तो हमारे माइंड में वो ही लोग हैं। हमारे माइंड में वो दूसरे लोग नहीं हैं जिनके आप कहते हैं कि लिरिक्स ऐसे वैसे हैं। जैसे जी, मैं कुछ ही देर में कार्यक्रम खत्म करूंगी आपके पसंदीदा गीत से, जो आपको मन को पसंद है, लेकिन उससे पहले एक मेरा छोटा सा सवाल और है। आपका हो गया सर, एक और सवाल। जी जी, हेलो जी। मेरा सवाल सुनंदा जी और मन्नत से है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब गाने बनते हैं और कोई भी सिंगर किसी भी रीजन से उठे, तो उसको कहता है कि बॉलीवुड का जैसे ही गाना गाएंगे तो शायद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, कि आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अगर बॉलीवुड का गाना मिलेगा तो आपकी रीच और ज़्यादा बढ़ जाएगी, या पंजाब की ही रीच इतनी ज़्यादा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड आपको बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि मैंने आज तक सारे पंजाबी गाने ही गाए हैं। मैं 2-3 गाने हैं जो मैंने भी बॉलीवुड गाए हैं, एक मीका जी के साथ था गाना, और एक बादशाह जी के साथ था, और एक मेरा मम्मी नु पसंद जो है उसका रिमिक्स आया था। बट इसके अलावा भी जैसे सर ने बोला ना कि नॉन पंजाबी जो हैं वो भी हमारे गीतों को पसंद करते हैं, आप यकीन मानिए कि मैंने उदयपुर जयपुर में इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स की हैं, और फैमिलीज कौन सी होती हैं, बंगाली, और मुझे कई बार डर भी लगता है स्टेज पे जाने से। कई बार ना एक डाउट सा आ जाता है, यार इन्होंने मेरा गीत सुनिया भी होएगा कि नहीं, इन्होंने बुक तो कर लिया मैनू। फिर वो मेरी टीम बोले अगर सुना है तभी तो आपको उन्होंने बुलाया है। अब यकीन माने जैसे स्टेज पे जाते हैं तो लोग आप जी वो मम्मी नु पसंद सुना दें, आप दूजी बार प्यार सुना दें, आप पटाखे सुना दें, लोगों ने इतना मतलब पंजाबी लैंग्वेज को किया। लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि जब आपका गाना बॉलीवुड में आता है, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में, किसी बड़ी फिल्म में आपका गाना आता है, तो आपकी पहचान वाकई में दुगनी तिगनी हो जाती है। इस फैक्टर को भी हम लोग नहीं कर सकते। एक जो पैरेलल मार्केट है, मैंने पहले भी बोला है, लोग बॉलीवुड के, मैं फिर हंकार से नहीं प्यार से बोल रहा हूँ, लोग बैक करते हैं पंजाबी सिंगरों के गाने अपनी फिल्म के में डालने के लिए। इसका प्रूफ मतलब विटनेस मैं हूँ। अभी 3 दिन पहले कोई मेरे पास कोई फिल्म वाले लोग बैठे हुए थे, तो वो कभी कह रहे थे कि एपी डिलन का गाना हमें ले दो, है ना, सुनंदा का ले दो। वो देखते हैं कि कौन लोग स्ट्रीमिंग में ज़्यादा, कौन इस टाइम पे हॉट कौन है। तो
मुझे लगता है पिछले दौर में तो जो गाने आए हैं हमारे ही गाने उधर रिमिक्स हुए, सारे सारे सारा म्यूजिक ही पंजाबी है, उसको रिमिक्स किया है। फिर भी हम्बल रहना चाहिए। जो मुझे लगता है बेसिकली बात तो वही सेम ही आ गई, क्या होता है कि जो टिपिकल पंजाबी गाने होते हैं वो टिपिकल भी आजकल लोग सुनते हैं क्योंकि वो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, चाहे मुंबई हो चाहे बाहर हो कहीं पे भी हो। कई बार लिरिक्स उनको समझ नहीं आते लेकिन पंजाबी म्यूज़िक को वो इतना ज़्यादा इन्जॉय करते कि उनको लिरिक्स से भी कुछ लेना देना नहीं होता। बट जैसे मैं सुनंदा की बात करती हूँ, सुनंदा के सारे गाने ऐसे होते हैं उसमें लिरिक्स बहुत सिंपल होते हैं जो सबको समझ आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लिरिक्स से जुड़ी ज़रूर होती है कि वो इतने सिंपल होते हैं, वो बॉलीवुड में भी एज इट इज़ फरमाए जाते हैं और वहाँ पे भी समझ आते हैं। और वो यही जो आप बोल रहे हैं ना बात को, कि कई बार लिरिक्स उनको पता भी नहीं होता लेकिन वो गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, साउंड ऐसी है। और मैं एक ना एक फनी मोमेंट आपको बताती हूँ। मेरा जो पीछे कोरस वाला लड़का है, काफ़ी टाइम से वो एक चीज़ गा रहा था, मुझे पता नहीं लगा कि वो गा क्या रहा है, उसको लिरिक्स पता नहीं है। मेरे गाने में फोक गीत ऐड था, वो लट्ठे दी चादर, आप यकीन माने वो कितने टाइम से गा रहा था कट्टे दी चादर। और एक दिन जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे ना, तो मैंने एकदम सुना, मैं कह रुको आप क्या गा रहे हो, कहता कट्टे दी चा, मैं कह कट्टा नहीं लट्ठे दी चादर। तो कई लोगों को कई बार आपके गाने के लिरिक्स एक्चुअल में पता भी नहीं होते लेकिन वो आपके साउंड को एंजॉय करते हैं, वो आपके म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। एक चीज के पंजाबी में इतनी साउंड्स हैं ना, वही वो जो बहुत सारे लोगों को असर है, यहाँ पर पर्शियन भी है, अरेबिक भी है, उर्दू भी है, सारा कुछ है। जैसे हम एक गाना गाते हैं छल्ला बेरी बूरे वे वतन मा, उसका वो राइम मिलाने के लिए, और कोठे ते कानाए, इसका मतलब कोई नहीं है, मिलना ते रब नू तेरा प्यार बहाना है। ये माया जो है ये सारा ऐसे है कि आप राइम्स मिलती हैं, साउंड मुंडियां तो बच के रही। पंजाबी का कितना बड़ा गाना है हर दुनिया से, जहन से जो गाना और पुराना जो आप बिल्कुल चाहें कि लोग एक बार शिद्दत से फिर सुने हमारे दर्शकों के लिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर को कि आप देखो थोड़े सारे गाने बहुत सोने ने, पर जरो तुसी हीर गाने हो ओ थोड़ा वाह 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 जी वाह जी, जरो तुसी हीर गाने हो, तुसी चाहो खड़े होके गा लो, तुसी चाहो बैठ के गा लो, एज अ फैन ही साडी रिक्वेस्ट है, असी नाल खड़े हो जाने हैं। हीर के भी बाबा वारिस शाह की साउंड्स हैं, उसके लफ्जों की साउंड्स आपको चाहे समझ ना आए पर आपको उसके लफ्ज का मजा आएगा। तो हीर वैसे गाते कम है, लोग पढ़ते हैं, पंजाब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हीर पढ़ते रहते हैं, सारी सारी रात हीर पढ़ते रहते हैं। आपको थोड़ा जो मेरा एक मैंने रिकॉर्ड कराया था टुकड़ा, हीरे आख दी वे जोगिया झूठ बोले कौन रुठड़े यार मनाम दाई हाँ ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी जेड़ा ज्ञानू मोड़ लियाम दाई साडे चमदियां जुतियां करे कोई जेड़ा जूदा रोग गवामदाई भला दस कांचरी विचुनियां हाँ है कदों रब सच्चा कर लियामदा। तो ये सारी रात ही चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जो थैंक यू सो मच।